हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे WWE के सबसे बड़े इवेंट रसलमेनिया 34 की। फाइनली आज वो हो गई जिसका फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे। आपको बताऊंगा कि इस बार की रसलमेनिया 34 कैसी रही और क्या कंक्लूजन निकला इस इवेंट के बाद। हर मैच को मैं 10 मैच से पॉइंट भी दूंगा। सबसे बड़ी बात, जिस मैच के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था वो भी हमें यहां देखने को मिला। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल मैच से इस बार की रसलमेनिया की शुरुआत हुई। सभी सुपर स्टार इस मैच में एक साथ भिड़ गए। अच्छी भिड़न दिखी इन सबके बीच। बैरन कॉर्बिन ने इस मैच में अच्छा गेम दिखाया। उन्होंने 4 सुपर स्टार को भी एलिमिनेट करा। वहीं बैरन कॉर्बिन और केन भी आमने सामने आए। बैरन कॉर्बिन ने केन को भी बाहर का रास्ता दिखाया और इस मैच में एक नया एंगल देखने को मिला। मैट हार्डी ने इस मैच में जीत दर्ज करी और ब्रे वाइट और मैट हार्डी ने एक दूसरे को गले भी लगाया। हो सकता है आने वाले टाइम में ये दोनों हमें एक टैग टीम में दिखाई दें। इस मैच को मैं 10 में से 7 पॉइंट दूंगा। इसके बाद हमें सेड्रिक अलेक्जेंडर मुस्तफा अली के बीच क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। अच्छा मैच था इन दोनों के बीच। अच्छे मूव्स दिखाए इन दोनों ने इस मैच में। दोनों ने भरपूर जोर लगाया इस मैच में जीत के लिए, बट एंड में जीत सेड्रिक अलेक्जेंडर की हुई। एंजो अमोरे के जाने के बाद काफी लंबे टाइम बाद अब कोई चैंपियन मिला है हमें क्रूजरवेट डिवीजन से। इस मैच को मैं 10 में से 8 पॉइंट दूंगा। इसके बाद हमें वुमेन्स बैटल रॉयल देखने को मिला। सभी वुमेन्स रोस्टर रिंग में आई। खास बात इस मैच में ये रही कि इंडिया की कविता देवी भी इस मैच में हमें देखने को मिली। इस मैच में NXT की भी काफी वुमेन्स दिखाई दी। कार्मेला को सबने मिलकर मारा और बाहर का रास्ता दिखा दिया। NXT का इस मैच में दबदबा दिखा। यहाँ साशा बैंक्स और बैली भी आमने सामने आई, बट बैली ने साशा बैंक्स को बाहर का रास्ता दिखाया और एंड में नायोमी की जीत हुई इस मैच में। इस मैच को मैं 10 में से 7 पॉइंट दूंगा। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बेलर वर्सेस द मिज के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। अच्छा मैच था इनके बीच। इस मैच का वेट काफी लोगों को होगा। तीनों सुपरस्टार ने अच्छा प्रदर्शन करा और एक से बढ़कर एक मूव्स भी दिखाए। वहीं तीनों में से कोई भी कम नहीं पड़ रहा था। इस मैच में एंड में सेथ रॉलिंस ने मिज पे अपना मूव लगा के टाइटल जीता और इसके साथ ही सेथ रॉलिंस ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन गए। इस मैच को मैं 10 में से 8.5 दूंगा। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। दोनों ही अच्छी और बड़ी स्टार हैं और आस्का के नाम ना हारने की स्ट्रीक भी है। दोनों के बीच शानदार मैच दिखाई दिया। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मूव से परेशान भी करा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये देखने को मिली कि शार्लेट ने आस्का की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ के रख दिया और टाइटल रिटेन कर लिया। इस मैच को मैं 10 में से 8 पॉइंट दूंगा। नेक्स्ट मैच हमें बॉबी रूट वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस जिंदो मोहल वर्सेस रूसेव के बीच फेटल फोर वे मैच देखने को मिला US चैंपियनशिप के लिए। शुरुआत में रूसेव कुछ भारी दिखाई दिए, बट इसके बाद तीनों ने इस मैच में वापसी करी। एक टाइम इस मैच में बॉबी रूट जिंदो मोहल को अपना मूव लगाने जा रहे होते हैं, लेकिन सुनील सिंह ने दखल अंदाजी कर दी। मौका देखकर जिंदो मोहल ने बॉबी रूट को खल्लास लगा दिया और ये चैंपियनशिप मैच अपने नाम कर लिया। इस मैच को मैं 10 में से 7 पॉइंट दूंगा। नेक्स्ट मैच हमें मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिला ट्रिपल एच स्टेफनी मैकमैन वर्सेस कर्ट एंगल और रोंडा रोजी के बीच। अच्छा मैच था ये। आते ही स्टेफनी मैकमैन ने रोंडा रोजी को निशाना बनाया। वैसे नॉर्मल हमें मिक्स टैग टीम टूर्नामेंट में देखा था कि मेल सुपरस्टार फीमेल से नहीं लड़ते थे, बट यहां रोंडा रोजी ने ट्रिपल एच को भी नहीं छोड़ा। कह सकते हैं कि एक अच्छा मैच था ये। कर्ट एंगल ने ट्रिपल एच को अनाउंस टेबल पर भी मारा, वहीं रोंडा रोजी ने स्टेफनी मैकमैन को जमकर मारा और कर्ट एंगल ने भी एंकल लॉक स्टेफनी मैकमैन को लगाया। इसके बाद ट्रिपल एच रोंडा रोजी को पेडिग्री देने वाले ही थे, बट वो दे नहीं पाए। एंड में रोंडा रोजी ने स्टेफनी मैकमैन पर अपना लॉक लगाया और मैच अपने नाम कर लिया। इस मैच को मैं 10 में से 9 पॉइंट दूंगा। इसके बाद हमें न्यू डे वर्सेस ब्लजिन ब्रदर्स वर्सेस उसोस के बीच स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। आते ही ब्लजिन ब्रदर्स ने धावा बोल दिया और सबको रिंग में बिछा दिया। बाकियों ने भी पलटवार करा। ब्लजिन ब्रदर्स के लिए ये मैच थोड़ा मुझे आसान लगा। उन्होंने कॉफी किंगस्टन पे अपना मूव लगा के मैच और टाइटल अपने नाम कर लिया। इस मैच को मैं 10 में से 6.5 दूंगा। इसके बाद हमें जॉन सीना की एंट्री देखने को मिलती है। रेफरी आते हैं और उन्हें मैच के लिए ना कहते हैं। जॉन सीना थोड़ा गुस्सा में दिखाई देते हैं और वो रिंग के बाहर जाते चले जाते हैं। इतने में अंधेरा होता है, फैंस खड़े हो जाते हैं। मुझे भी लगा कि अंडरटेकर की एंट्री है, लेकिन वहां एलायस की एंट्री होती है। एलायस गाना गाते गाते रिंग में आते हैं। जॉन सीना फैंस के बीच चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जॉन सीना को गुस्सा आता है और उन्होंने एलायस को रिंग में आके पीट दिया। जॉन सीना निराश होकर वापस लौट रहे होते हैं। फिर उनका म्यूजिक बंद हो गया, लाइट बंद हुई और रिंग के बीचों बीच अंडरटेकर की टोपी और ग्लव्स दिखाई दिए। और इसके बाद वो पल आया, मतलब वो मोमेंट आया जब अंडरटेकर की रिंग में एंट्री होती है।
इसके बाद हमें जॉन सीना और अंडरटेकर का मैच देखने को मिला। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। अंडरटेकर ने जॉन सीना के ऊपर आते ही अटैक कर दिया। सीना को अंडरटेकर ने चॉक स्लैम लगाने की कोशिश की, लेकिन सीना बाल बाल बचे। सीना ने फिर अपना मूव लगाने के लिए अंडरटेकर के पीछे खड़े होते हैं। फिर से अंडरटेकर ने सीना को चॉक स्लैम दे दिया और इसके बाद अंडरटेकर ने टॉम स्टॉर्म पाइल ड्राइवर मूव देकर जॉन सीना को हरा दिया। इस मैच को मैं 10 में से 7 पॉइंट दूंगा। इसके बाद हमें शेन मैकमैन डेनियल ब्रायन वर्सेस केविन ओवंस सैमी ज़ेन के बीच मैच देखने को मिला। इस मैच में केविन ओवंस और सैमी ज़ेन ने पीछे से दोनों पर अटैक करा, अच्छा मैच दिखा इनके बीच। एक टाइम इस मैच में केविन ओवंस और सैमी ज़ेन से अकेले ही लड़ते नजर आए शेन मैकमैन और रिंग में अपने अपने मूव्स लगाए। डेनियल ब्रायन ने कुछ देर बाद इस मैच में वापसी करी और आते ही उन्होंने दोनों पे अटैक करा और एंड में जीत यहाँ डेनियल ब्रायन और शेन मैकमैन के हाथ लगी। इस मैच को मैं 10 में से 7.5 दूंगा। इसके ठीक बाद हमें अलेक्सा ब्लिस वर्सेस नाया जैक्स के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। इस मैच में आते ही नाया जैक्स ने पहले मिक्की जेम्स को अपना शिकार बनाया और अपना विकराल रूप दिखा दिया। इसके बाद रिंग में अलेक्सा ब्लिस को खूब मारा। अलेक्सा ब्लिस इस मैच में कोशिश करी बट ज्यादा देर तक वो नाया जैक्स के सामने टिक नहीं पाई। ये मैच नाया जैक्स ने जीता और अपने नाम टाइटल कर लिया। इस मैच को मैं 10 में से 7.5 दूंगा। इसके बाद हमें ड्रीम मैच दिखा जो कि एजे स्टाइल वर्सेस नाकामुरा के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए था। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच और एक दूसरे को इन्होंने खूब थकाया। पंचेज, नेक ब्रेक, ड्रॉप किक, सब मूव एक दूसरे पर लगाए। एजे स्टाइल ने नाकामुरा को अपने लॉक में भी फंसाया बट नाकामुरा एजे को किंग शाशा मारने वाले ही होते हैं बट अचानक से एजे ने स्टाइल क्लैश लगा के इस मैच को अपने नाम कर लिया। एंड में नाकामुरा ही एजे स्टाइल को टाइटल देने आते हैं और नाकामुरा उसके बाद उन पर हमला कर देते हैं और एजे स्टाइल के ऊपर रिंग के बाहर किंग शाशा भी मारते हैं। इस मैच को मैं 10 में से 8 पॉइंट दूंगा, लास्ट में नाकामुरा का रूप देख के। इसके बाद हमें शेमेस सिजारो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन मिस्ट्री पार्टनर के बीच रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दिखना था। स्ट्रोमैन की एंट्री होती है, सब एक्साइटेड थे कि कौन होगा ब्रॉन स्ट्रोमैन का पार्टनर, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन का पार्टनर कोई नहीं आता है। स्ट्रोमैन खुद फैंस के बीच जाकर एक लड़की को अपने पार्टनर के तौर पर रिंग में ले आते हैं। मैच शुरू हो गया, स्ट्रोमैन ने दोनों को पीटना शुरू करा, शेमेस सिजारो ने भी पलटवार किया। एक टाइम ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने पार्टनर निकोलस को टैग किया लेकिन उन्होंने फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन को टैग कर दिया और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस मैच में जीत के साथ मैच को खत्म कर दिया और वो बन गए रॉ टैग टीम चैंपियन। इस मैच को मैं 10 में से 6.9 दूंगा। इस मैच के बाद हमें देखने को मिला रसलमेनिया 34 का मेन इवेंट मैच जो कि रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। आते ही ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज को मारा और 3 सुप्लेक्स एक साथ दी। रोमन उठते ही ब्रॉक लेसनर को सुपरमैन पंचेस मारे। ब्रॉक ने रिंग के बाहर और अंदर रोमन को सुप्लेक्स सिटी की सैर कराई। इस मैच में लेसनर ने रोमन रेंज को 3 F5 दी बट रोमन रेंज के काउट कर गए। इसके बाद अनाउंस टेबल पर भी रोमन रेंज को F5 दी ब्रॉक लेसनर ने और अंदर आके भी एक F5 दी। रोमन ने हार नहीं मानी। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने अपने हाथ का ग्लव्स उतार के रोमन रेंज के सर पे पंचेज मारे जिसके बाद रोमन रेंज के सर से खून निकलने लगा। रोमन ने इसके बाद 2 स्पीयर भी मारी बट ब्रॉक लेसनर किक आउट कर गए और इसके बाद रोमन रेंज को F5 देकर मैच खत्म करा और मैच जीत लिया। इस मैच के रिजल्ट से सारे फैंस शॉक थे और मैं भी काफी शॉक था और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया इस मैच में। अब मैं इस मैच को 10 में से कुछ भी पॉइंट नहीं दूंगा, पॉइंट देंगे आप कमेंट करके बताइए कि आप इस मैच को 10 में से कितने पॉइंट देना चाहेंगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। रसलमेनिया 34 ठीक ठाक थी बट बात करूं मैं, सबसे पहले शॉकिंग ये था कि आस्का की स्ट्रीक टूटी और वो भी शार्लेट फ्लेयर ने तोड़ी और टाइटल का बचाव कर लिया। उम्मीद थी इस मैच में कार्मेला के कैश इन की, वो भी नहीं हुई। इसके बाद शॉकिंग था कि जिंदर महल US चैंपियन बन गए, हालांकि सुनील की इंटरफेरेंस से मैच जिंदर ने जीता। इसके बाद रोंडा रोजी, कर्ट एंगल और स्टेफनी मैकमैन ट्रिपल एच का मैच वाकई अच्छा मैच था। रोंडा रोजी ने कमाल करा इस मैच में और रोंडा रोजी के मूव्स देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि फाइटिंग गेम में टेक्कन वगैरह में मूव्स होते हैं उस तरह से कोई मूव्स मार रहा हो। WWE ने उनको खुलकर सामने रख दिया है। इसके बाद हमें अंडरटेकर की वापसी देखने को मिली और जॉन सीना के साथ मैच भी देखने को मिला बट हो सकता है जो मैं अब बोलने वाला हूं उसके बाद गालियां पड़े बट मैं तो कहूंगा दोनों के बीच उस हिसाब का मैच नहीं दिखा जैसा हो सकता था। ज्यादा बड़ा मैच भी नहीं था इनके बीच। इस मैच में मुझे कुछ टाइमिंग की भी कमी लगी, जैसे कि जब जॉन सीना अलायस को मारकर वापस जा रहे थे बट वो एकदम से खड़े हो गए और रुक गए।
ठीक इसके बाद ही लाइट ऑफ हो गई, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि जॉन सीना मानो वेट कर रहे थे कि अब कुछ हो। वहीं बात करूं डेनियल ब्राइन, शेन मैकमैन और केविन ओवंस और सैमी ज़ेन के मैच की, तो अच्छा मैच था, दोनों हार गए। इसके बाद इन्हें स्मैकडाउन छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है अब हमें या तो शेकअप दिखाई दे या कुछ और दिखाई दे जिसकी वजह से ये हमें स्मैकडाउन में रुकते नजर आए, ये हो सकता है या रॉ में दिखाई दे। वहीं एलेक्सा ब्लेस आज थोड़ा बेबस नजर आई इस मैच में। अच्छा ये हुआ कि नाया जैक्स को काफी लंबे टाइम बाद पहली बार टाइटल मिला, वो डिजर्व करती हैं वाकई एक टाइटल। इसके बाद हमें एजे स्टाइल और नाकामुरा के मैच की बात करूं, तो उम्मीद थी कि यहां नाकामुरा चैंपियन बनेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये वाकई फैंस के लिए शॉकिंग हो सकता है। एंड में नाकामुरा ने एजे स्टाइल को ब्लो जॉब और मारने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो हील टर्न लेंगे। इस रसलमेनिया 34 में दो जैपनीज स्टार को आज कुछ भी हाथ नहीं लगा, या ये कह सकते हैं कि WWE को लगा होगा कि इन्हें अभी टाइटल देना जल्दबाजी होगी। इसके बाद आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन और सिजारो शेमेस के मैच पर। तो कब से फैन एक्साइटेड थे कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का पार्टनर कौन होगा, कोई वापसी करेगा, मजा आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो क्राउड में से किसी को लेके आए और अपना पार्टनर बना लिया। अब सवाल सबके सामने यही है कि भैया अब होगा क्या आगे, जो उनके पार्टनर हैं वो एक बच्चे हैं, तो आगे क्या टाइटल वही होल्ड करेंगे। अब आते हैं आज के मेन इवेंट मैच पर। रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर दोनों ही मेरे फेवरेट हैं, बट बात करूं मेन इवेंट की तो रोमन रेंज को यहां जीतना चाहिए था। काफी लंबे टाइम से वो वेट कर रहे थे इस टाइटल का, और काफी लंबे टाइम से उनके इस मैच को बुक माना जा रहा था। माना क्या जा रहा था, बुक ही था ये मैच, काफी 6-7 महीने पहले से ही बुक था। बैटिंग ओड्स, लीक्स, र्यूमर्स, न्यूज सब फेल कर दिया WWE ने इस इवेंट में। अब क्या कह सकते हैं, मैं तो अब भी शॉक ही हूं। तो फ्रेंड ये थी इस बार की रसलमेनिया 34 जो खत्म हुई। कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।